गुड मॉर्निंग जय गांव। और सुबह सुबह इस समय हम लोग विशेष कार्य के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है और आपको ये मौसम का अपडेट दिखाना चाहेंगे। सुबह सुबह काफ़ी कुहासा सड़कों पे देखा जा रहा है और इस कुहासे में ट्रैवल करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। दर्शकों, आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आज अलीपुर द्वार आज वो संबोधन करेंगी एक सभा में, और उसके लिए हम लोग सुबह सुबह ही हम लोग निकल रहे हैं। कुछ और भी कार्य है, उस कार्य को भी पूरा करना है कुछ है। और इस समय हम लोग जीएसटी मोड़ के नज़दीक इस समय पहुंचे हैं और आप सड़कों पे कुहासा देख के आप समझ सकते होंगे कि मौसम किस तरह से करवट बदल चुका है। पूरी तरह से सुबह सुबह का समय कुहासे से सड़क पूरी तरह से विजिबिलिटी जो है पूरी कम हो चुकी है। अधिकांश दिनों में इस तरह का वेदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस समय ठंड का वेलकम किया जा रहा है। सर्दियों का मौसम इस समय हमारे इस क्षेत्र में, और सुबह सुबह सफ़र करने का एक अलग ही आनंद है। काफ़ी कम विजिबिलिटी देखा जा रहा है और विशेष कार्य से हमें सुबह सुबह ट्रैवल करना पड़ रहा है। और जब भी मौका मिलता है आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों के साथ लाइव जुड़ना पसंद करते हैं, इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। हालांकि सुबह सुबह का समय है, ज़्यादा लोग इस समय लाइव नहीं हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं ठंड इस समय किस तरह का ठंड है और सड़कों पे किस तरह से कुहासा है। जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, टाउन एरिया है, वहाँ पे कुहासा जाहिर तौर पे थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन है यहाँ पे, कुछ इमारतें हैं, लोग रहते हैं, तो इस क्षेत्र में थोड़ा कुहासा का असर थोड़ा कम देखा जाता है। लेकिन जैसे ही आप खाली सड़क से गुजरेंगे, चाय बगान क्षेत्र से होकर गुजरेंगे, हाईवे होकर गुजरेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि कुहासा जो है सड़कों पे किस तरह से विजिबिलिटी को कम कर रहा है। और सुबह सुबह अभी हम लोग एशियन हाईवे होते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। 6:30 बजे करीबन समय हो रहा है। और सुमन बिस्टा छेत्री जी इस समय लाइव जुड़ी हैं, वेलकम है। एसके सम्राट भी इस समय लाइव हैं। अब जैसे ही हम लोग खुले क्षेत्र में अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे विजिबिलिटी जो है एक बार फिर से कम होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। मतियर रहमान इस समय लाइव जुड़े हैं, स्वागत है लाइव में। और ये शायद
मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या नाम है, लेकिन शायद हमारे भूटान के कोई मित्रगण हैं, हमारे दर्शक हैं जो इस समय लाइव जुड़े हैं। एमडी इब्राहिम लाइव जुड़ रहे हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो प्रभाव है वासा का वो कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी लगभग 6:30-7 का समय हो रहा है, लेकिन अभी भी सूरज की किरणों का कोई नामो निशान नहीं है। पूरी तरह से जो सड़क है, आप कुहासे को देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर कितना ठंड होगा। मैं इधर का भी दृश्य दिखाना चाहूँगा, चाय बगान क्षेत्र तरफ में किस तरह से पूरी तरह से कुहासा में डूब चुका है। और दर्शकों, आशा करते हैं कि इस ठंड के मौसम में आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंदित भी होंगे, और इस आनंदित पल को हम आप सभी के समक्ष पर्दे पे जैगो मिरर्स के कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। और इस मौसम में सुबह सुबह एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी और दो बिस्किट का मज़ा ही कुछ और होता है। फिलहाल सुबह सुबह मैं भी चाय बिस्किट का ही सेवन करके मैं निकला हूँ, क्योंकि अधिकांश समय मैं ब्रेकफास्ट जो है 8 बजे के आसपास ही करता हूँ, लेकिन आज क्योंकि सुबह सुबह निकलना था तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाया। और बाबर हुसैन, गुड मॉर्निंग, लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ज्योतिर्मय रॉय इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और ऐसे कम विजिबिलिटी में अधिकांश समय में देखा जाता है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो जाता है। तो जो भी इस समय ऐसे मौसम में अगर ट्रैवल कर रहे होंगे तो कृपया करके अपने वाहनों को ज़्यादा रफ्तार में ना चलाएं। और हेमंत बिष्ट जी इस समय लाइव जुड़े हैं, और इस समय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस समय हम लोग सबसे पहले एशियन हाईवे होते हुए हम लोग जाएंगे बीरपाड़ा, और वहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे अलीपुर द्वार के लिए। और अंकित गुप्ता, गुड मॉर्निंग, और काफ़ी लोग इस समय लाइव हैं। देशुप, एलन, विशाल, गुड मॉर्निंग माय फेवरेट जर्नलिस्ट मिस्टर विजय, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय ऑनर दैट यू आर कॉलिंग मी सो, बट आई बिलीव इन डूइंग व्हाट इज राइट। जो सही होता है वही मैं करता हूँ, सही गलत तो लोगों के नज़रिया के ऊपर निर्भर करता है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो कैमरे में कैद हो, जो ग्राउंड रियलिटी हो वही दिखाया जाए, और वही मैं हमेशा करता रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा, कुछ लोगों को पसंद भी आता होगा, लेकिन कहते हैं सच्चाई कड़वा होता है, और सच्चाई दिखाने से मैं पीछे नहीं हटता, जैगो मिरर्स कभी पीछे नहीं हटती। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है जो हम लोग निरंतर आप सभी का सेवा कर रहे हैं। और हम लोग फिलहाल हमारा लाइव यहीं पे हम लोग रोकेंगे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं विजिबिलिटी काफ़ी कम है। एशियन हाईवे होते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। पूजा पटेल अभी लाइव जुड़ी हैं, और काफ़ी लोग धीरे धीरे लाइव जुड़ रहे हैं। कपिल शर्मा, सुप्रभात कपिल जी, हाईवे पे हम लोग इस समय मौजूद हैं। एशियन हाईवे होते हुए हम लोग बीरपाड़ा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, और वहाँ से हमें अलीपुरद्वार के लिए जाना है। तो सुबह सुबह का समय हमें निकलना पड़ रहा है,
और रितु शर्मा जी अभी लाइव जुड़ी हैं। मौसम आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं और फिलहाल फ्लाईओवर के ऊपर से हम लोग गुजरते हुए अभी भी काफ़ी सारे लोगों को देखा जा रहा है। मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग जो है मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और अधिकांश समय पे भी यहाँ इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पे सेल्फी सेशन, फोटो सेशन वगैरह करते हैं। एक कहा जाए तो पर्यटकों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए ये एक पसंदीदा एक स्थान है। यहाँ सिमारा का फ्लाईओवर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मॉर्निंग वॉक पे दिख जाएंगे और हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग और मैडम जी गुड मॉर्निंग लाइव में जुड़ी हैं और फिलहाल तो समय हो गया है, हम लोग यहाँ से लाइव इंट्रैक्शन यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। फिर जुड़ेंगे, इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग इस ठंड के मौसम में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कंबल से निकलें, चाय कॉफ़ी का सेवन करें, अपने शरीर को गर्म करें और इस मौसम का आनंद उठाएं। और हम लोग जाते जाते आपको ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से अलविदा लेंगे। इस समय हांसी मारा पूर्सा ब्रिज के ऊपर से हम लोग गुजर रहे हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ पे दृश्य है लेकिन फिलहाल इस समय उतना विजिबिलिटी नहीं है और इस ठंड में भी काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और